जय श्री कृष्णा हर हर महादेव कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत करती हो आपके अपने YouTube चैनल हरी कृष्णा वास्तु टिप्स में जहाँ मैं आपके लिए बहुत ही खास ऐसे अचूक से उपाय लेकर आती हूँ जिनको कर कर आप अपने जीवन के समस्त कष्ट और परेशानियों को दूर कर सकते हैं जैसे कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन रात्रि में साढ़े बजे से लेकर ढाई बजे तक के बीच में है सूर्य ग्रहण तो आपने इसी समय अंतराल में ही कर लेना है पीली सरसों की ये तीन अचूक से उपाय कैसी भी फिर समस्याएं क्यों ना हो ये जो अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ रही है बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है साथ में ही जो रात्रि में साढ़े नौ से ढाई बजे तक के बीच में लग रहे हैं सूर्य ग्रहण ये भी बहुत ही ज्यादा खास है इसमें अगर आप ये पीली सरसों के तीन अचूक से उपाय करते हैं फिर कैसी भी की समस्या क्यों ना हो अवश्य ही दूर होगी इसलिए कि अगले दिन लग रहे हैं नवरात्रि और जीवन में जब आपको आपके पितरों का आशीर्वाद और साथ में भगवान और आपके इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन के समस्त कष्ट और परेशानियाँ अवश्य दूर होती हैं अमावस्या तिथि है, है पितरों को प्रसन्न कीजिए छोटा सा उपाय कीजिए साथ में भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त करें आपने करना क्या है साढ़े नौ से ढाई बजे के इस बीच में ही आपने इस उपाय को करना है आपको पीली सरसों चाहिए आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए या तो फिर आप कोई पात्र भी ले सकते हैं अगर वैसे कोशिश तो कीजिए कि अगर तांबे का लोटा लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपने उसके अंदर थोड़ा सा कपूर रखना है थोड़ा सा पहले आप कपूर रख दीजिए क्रश करके इसके अंदर आपने ग्यारह एक एक रुपये के सिक्के रखने हैं और एक एक रुपये के सिक्के से आप इसको अच्छे से भर दीजिए वाले फिर आपने इसके ऊपर भर देना है पीली सरसों अच्छे से आपने इस लोटे को फिर पीली सरसों से भरना है और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर फिर से कपूर को क्रश करके मसल के इसके ऊपर डाल देना है ये जो आपका कलश तैयार हो गया इस कलश को आपने अपने घर की नॉर्थ साइड में उत्तर दिशा की तरफ रखना है या तो आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ भी रख सकते हैं इस तरह से कलश रखने से मैं आपको बता दूं कि क्या फ़ायदा होगा अगर आपके घर में पैसा बहुत ही अच्छे फ्लो से आता है मगर उसी ही फ्लो से वो निकल भी जाता है पैसा टिकता नहीं है ऐसी समस्याएँ दूर होती हैं घर में सुख समृद्धि नहीं है कलह झगड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें आपको राहत मिलती है ये कार्य कीजिए पहला दूसरा उपाय आपने करना क्या साढ़े नौ से ढाई बजे के बीच में ही आपने इस उपाय को करना है आप लेंगे थोड़ी सी पीली सरसों थोड़ी सी लेनी है ज़्यादा नहीं लेनी है एक मुट्ठी से कम ही लेंगे आप और कपूर लेंगे कोई भी मिट्टी का पात्र लेंगे उसके अंदर आपने कपूर की सहायता से इसे जलाना है अगर आपके पास कंडी है कंडी मीन्स क्या जो गाय के उपले होते हैं वो उपला भी रख सकते हैं उसके ऊपर कपूर रख दीजिए पीली सरसों रख दीजिए साथ में आपने इसके ऊपर पांच फूल बातियां रखनी है जो हम जोत में बाती होती है ना वो बातियाँ किन के पांच रख दीजिए आप इसे जला दीजिए जलाने के बाद इसका धुआं पूरी अग्नि जो है अपने पूरे घर में दिखाए और दिखाते हुए इसे ले जाके अपनी छत पर अगर किसी की छत या टेरेस नहीं है तो वो कहाँ रखेंगे अपनी बालकनी में रख देंगे इस तरह से करेंगे आप ये उपाय आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो सारी दूर होगी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा तीसरा खास उपाय पीली सरसों आपने लेनी है एक मुट्ठी एक मुट्ठी पीलो पीली सरसों ले लीजिए और इसे अपने पूरे घर में घुमाते हुए जाइए रसोई घर से शुरू करेंगे रसोई घर से छूते हुए आपने बेसिकली अपने घर की दीवारों को टच करना है पीली सरसों को हाथ में लेंगे उसी हाथ से रसोई घर की दीवार एक तरफ से अपने आपके जितने कमरे हैं आपका ड्राइंग रूम है आपका बेडरूम है स्टडी रूम है जो भी आपके घर में कमरा है या एक छोटा सा ही कमरा है जितनी उस घर की दीवारें हैं सब दीवारों को आपने इसी पीली सरसों के हाथ से छूते हुए जाना है और छूते हुए सीधा आपने घर से बाहर निकल जाना है घर से बाहर निकलेंगे और घर के मुख्य दरवाजे को भी आपने इसी से छूना है पूरा छूते हुए आपने घर से बाहर बिल्कुल बाहर चले जाना है और किसी भी चौराहे पे सुनसान जगह पे इसे फेंक के आ जाना है और चुपचाप अपने घर आ जाए ये उपाय भी आपने साढ़े नौ और ढाई बजे ये जो रात के बीच का समय सूर्य ग्रहण का इसी बीच में ये तीनों उपाय होंगे इसलिए कि देखिए टोटके हैं टोटका बिल्कुल कान जगह में क्या जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा और दूसरी बात ये कि जो सूर्य ग्रहण का जो ये वाला समय है बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है इस तरह के टोटके करने के लिए आज़मा के देख लीजिए अगर यकीन ना हो तो ये उपाय करके आपके घर की कितनी भी नेगेटिविटी है किसी भी प्रकार का किसी ने ऊपरी चक्कर है कुछ किसने कर कर करा रखा है कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं किसने कुछ कर करा दिया है ऊपरी बलाएं हैं तो ये सारी बलाएं आप दूर कर सकते हैं किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है खुद से ये तीन उपाय करें और अपने घर को सुख समृद्ध बनाएं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जय श्री कृष्णा हर हर महादेव